Hey, welcome back. I'm your Dharmendra sir from DSL Institute, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. मेरे प्यारे दोस्त, actually क्या है कि अब आपके बहुत सारे exam आने वाले हैं, SSC, CPO, MTS, बहुत सारे bank या फिर speaking, यानी बहुत सारे exam है, तो आपको कुछ पढ़ना भी चाहिए. सिर्फ स्पोकन के वीडियो से काम नहीं चलना, तो आज जो वीडियो दे रहा हूँ वो आप स्पोकन भी काम आएगा, स्पीकिंग भी काम आएगा, राइटिंग भी काम आएगा, और हाँ, कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, हर जगह ये पूरा जो क्वेश्चंस दिया हूं इसके सारे कॉन्सेप्ट भी दूंगा. पहले आप एक एक करके जानने का प्रयास करो कि है क्या चीज. पहले क्वेश्चन पर आराम से देखो, मैं आपके साथ पढ़ ले रहा हूं. हार्डली हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई केम. क्लियर. दूसरा पढ़ ले रहा हूं. स्कार्सली ही हैड लेफ्ट द हाउस व्हेन इट हैपेंड. तीसरा पढ़ ले रहा हूं. No sooner did she finish cooking than some guests arrived. दिख रहा है सबको. चौथा क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूं. No sooner does he come than I went. अब यहां पे does he come कर दिया, then I went कर दिया. अब ये चार एग्जाम्पल हमने आपको दिया है. अब आप एक एक करके चारों एग्जाम्पल को मेरे साथ बनाइए और देखिए गलती क्या है. मैं पूरा डिटेल चलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि हार्डली का यूज होता कहां है, स्कार्सली. आपको मैं टाइम दे रहा हूं. हार्डली का यूज होता कहां है, स्कार्सली का यूज होता कहां है, नो सूनर का यूज कहां करते हैं, नो सूनर का यूज करते कहां है, उस पर चलेंगे हम लोग. पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दें. पहला क्वेश्चन, हार्डली जहां कहीं भी आता हो उसके साथ हैज नहीं आएगा. क्या नहीं आएगा? हैज नहीं आएगा, गलत हो जाएगा. हार्डली के तुरंत बाद एच ए डी हैड चाहिए. अब सेंटेंस तुम्हारा सही हो गया. अब कौन सा, ये तो फैक्ट हो गया, रट्टा मारना पड़ेगा. अभी दे रहा हूं कॉन्सेप्ट, अभी सिखा रहा हूं कि आखिर हार्डली है क्या. बस एक मिनट का वेट करो, पूरा वीडियो देखो शुरू से लास्ट तक, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट. अभी मैं आपको सिर्फ आंसर दे रहा हूं, एक एक लाइन समझाऊंगा. दूसरा है स्कार्सली ही हैड. अब हार्डली स्कार्सली दोनों का नियम है कि अपने साथ सब्जेक्ट ना लेकर के पहले एक्सिलरी वर्ब लेता है, यानी कि इसको पलटना पड़ेगा. हैड यहां करना पड़ेगा, ही यहां करना पड़ेगा. अब सेंटेंस तुम्हारा राइट हो गया. अब तुम्हारा पहला भी सही, दूसरा भी सही. तीसरा क्वेश्चन कहता है नो सूनर डिड, एकदम देखते ही सॉल्व करोगे. मेरे पास टाइम नहीं है ना, तुम्हारे पास टाइम है, एकदम देखो आंसर निकालो. 3 सेकंड, 4 सेकंड, एक क्वेश्चन को करने में 3 से 4 सेकंड टाइम दे दिया ना, बहुत है. उससे ज्यादा टाइम लग गया, टाइम वेस्ट है. नो सुनर डिड सी फिनिश, नो सुनर है तो डिड आएगा, फिनिश कुकिंग देन. यहां पे देन नहीं आता, देन आता, ध्यान आया आपको. यहां पे देन नहीं, देन चाहिए. ये गलत हो गया, ये सही हो गया. अब सेंटेंस राइट हो गया. नेक्स्ट कहता है नो सुनर डज, नो सुनर डज नहीं, क्या आता है, डिड आता है. तो ये भी ध्यान आ गया, सेंटेंस तो आपने सही कर लिया. अब देखते हैं कि भाई इसके कॉन्सेप्ट क्या थे. एक एक कर कॉन्सेप्ट मिटा दूं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लो ना इसको, फटाफट ले लिया, फटाफट बढ़ते हैं. फिर अब देखते हैं इसको एक्सप्लेन करके कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, कहां पे गलती होता है, कैसे गलती होता है. मैं कहता हूं कि सेकंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व करो. कैसे भाई? अब देखो, सबसे पहला वर्ड है हार्डली, दूसरा वर्ड है स्कार्सली. हार्डली और स्कार्सली जहां कहीं भी दिख जाए, क्या कहा, दिख जाए, इसके तुरंत बाद एच ए डी हैड आएगा. क्या कहा, हैड आएगा. हार्डली स्कार्सली जहां कहीं भी आए हैड, और हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म. हार्डली स्कार्सली जहां कहीं भी दिखे, हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस आपने लगा दिया अदर वर्ड. समझ पा रहे हो? तो हार्डली स्कार्सली है क्या सर? तो हार्डली स्कार्सली इज अ नेगेटिव वर्ड. ये कैसा वर्ड है बच्चे? ए नेगेटिव वर्ड है. तो नेगेटिव वर्ड है सर, तो क्या इसके साथ नो या नॉट आ सकता है क्या? तो इसके साथ कभी भी नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे. यानी हार्डली के साथ हैड नॉट नहीं आएगा. तो हार्डली स्कार्सली जैसे भी दिखे तुरंत क्या चाहिए, यह इंट्रोगेटिव जैसा फॉर्म लेता है. तो हार्डली स्कार्सली जहां कहीं भी दिखे क्या आना चाहिए बाबू? हैड. हैड के बाद, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का
थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड. अब इसके बाद क्या आना चाहिए वो ध्यान दो. इसके बाद वेन आ सकता है, बिफोर आ सकता है, प्लस. अब चूंकि यहां पे V3 है तो ज्यादातर केस में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है. अब ऐसा क्यों होता है तो हार्डली और स्कार्सली एक नेगेटिव वर्ड है. ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस चूंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है हिंदी क्या हुआ सर तो हार्डली स्कार्सली का हिंदी हुआ बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से. हार्डली स्कार्सली का हिंदी बच्चे बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, बड़ी कठिनाई से. तो जब हमने बड़ी कठिनाई से बात किया तो पहला एग्जाम्पल क्या था आपका हार्डली. अब हार्डली हैज तो हार्डली हैज तो होगा नहीं, हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क. हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क. अब आगे तुम वेन लगाओ या बिफोर लगाओ तो वेन आई केम, बिफोर आई केम, तो जो आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो. बस देखना यह है कि हार्डली के बाद हैड होना है या नहीं है. अगर हार्डली के बाद हैड है तो सेंटेंस तुम्हारा एब्सोल्युटली राइट है, इससे गलत नहीं होगा. कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट दे दिया बाद में, सब्जेक्ट प्लस हैड पहले ही दे देता है, राइट. तो हार्डली स्कार्सली को बस ये ध्यान देना है कि हार्डली स्कार्सली या तो हैड अपने बाद लेगा, पहले लेगा, या तो हेड अपने जस्ट बाद लेगा. वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है. और हमने क्या करा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है कि आप पहले क्वेश्चन समझ के दिमाग लगा लो, फिर आप उसका एक एक लॉजिक देखो, एक एक आइडिया देखो, फिर आप तूफान मचा सकते हो इस वीडियो को देख करके. और इसमें कभी लाइफ में कभी गलती नहीं होगा. हार्डली स्कार्सली इज अ नेगेटिव वर्ड, इट नेवर टेक्स नो नॉट, इसके साथ नो मत लगाना. इसका हिंदी होता बड़ी मुश्किल से, हार्डली हैड ही कम Completed his work, बड़ी मुश्किल से उसने काम समाप्त किया था मेरे आने से पहले. Hardly had he completed his work before I came, मेरे आने से पहले बड़ी मुश्किल से काम उसने समाप्त किया था. बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना. तो अब समझ में आ गया, hardly scarcely बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से, एग्जाम का फेवरेट है, पूछा जाएगा, मिटाऊं इसको, ठीक है. अब आगे देखते हैं अगला. इसके बाद यहीं पर होगा हम लोगों का नो सुनर, ठीक है. अब क्वेश्चन नो सुनर भी तो था ना हम लोगों का, तो दूसरा कॉन्सेप्ट देखो नो सुनर वाला, यानी कि नो सुनर भी एक वर्ड था, नो सुनर. अब नो सुनर है क्या सर? तो नो सुनर इज अ नेगेटिव वर्ड. अब भाई नो सुनर नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ भी नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे. तो नो सुनर का हिंदी क्या होता सर? तो नो सुनर का हिंदी होता है जो ही न की, जो ही न की, यानी इसका हिंदी होता है जो ही न की, मतलब जैसे ही न की. अब नो सुनर का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नो सुनर के साथ भी नॉट नहीं आएगा. नो सुनर एक नेगेटिव वर्ड है, जो ही न की. अब नो सुनर जैसे ही दिखे इसके तुरंत बाद, कहां का तुरंत बाद क्या लगाना, या तो डीड या तो हैड. जैसे ही देखे नोट सुनर या तो डीड या तो हैड. अब डीड आपको पता है किस टेंस में गया है? बोलो तुम लोग. आप मेरा वीडियो कब देखते हो? लंच में देखो, डिनर में देखो, ब्रेकफास्ट में देखो, सोते हुए देखो, खेलते हुए देखो, जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वीडियो देखो और अपने सारे मित्रों को शेयर करो. क्यों? पूरा भारत महान कब बनेगा? जब पूरा पाओगे तब ना. तो नो सुनर डीड हैड, तो डीड तब आएगा जब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी पढ़ना तो पड़ेगा. इसके हैड कब आएगा? जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. तो सिंपल पास्ट टेंस आपको आता है ना, नहीं तो यूट्यूब पर शायद हमने वीडियो डाला है, देखिए उसको. तो डीड प्लस प्लस वी वन, हैड प्लस प्लस वी थ्री, राइट. अदर वर्ड तो आता ही आता रहता है. अभी क्वेश्चन चार दिया था ना, पीछे देखो इसको फिर से बैक करके. नो सुनर डिड सी कम, नो सुनर हैड, नो सुनर हैड ही कम. तो कम का तीनों फॉर्म कम केम कम, याद है ना. तो नो सुनर डिड ही केम, नो सुनर डिड सी फिनिश, राइट. अदर वर्ड दे दिया. अब इसके बाद क्या आ सकता है? तो इसके बाद टी एच ए एन देन आ सकता है.
अब एग्जाम में पता क्या देता है, एग्जाम में देता है THEN देन, बोलो देन गलत होगा कि नहीं। तो नो सूनर डिड शी फिनिश कुकिंग देन सम गेस्ट्स अराइव्ड। यानी कि हमने अगर मान लो सिंपल पास्ट का प्रयोग किया, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया, तो आपको मुख्य रूप से हमने पहले एग्जाम्पल दिया और अब मैं समझा रहा हूं कि नो सूनर के बाद डिड भी आ सकता है, हैड भी आ सकता है। इसके साथ अगर डिड एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा, यहां पे कर दिया हैड और कर दिया भी वन, यहां पे कर दिया डिड कर दिया भी थ्री, और नो सुनर के तुरंत बाद यह भी इंट्रोगेटिव जैसा ही फॉर्म को लेता है। तो यह भी आपको समझने की सख्त आवश्यकता है, तब जाके आपका वह जो कॉन्सेप्ट है जड़, वो तब आपका जड़ दूर हो जाएगा जब आप इस तरह से अंग्रेजी पढ़ेंगे, जब आप इस तरह से सोल्व करेंगे क्वेश्चन, तब आपको जैसे नो सुनर डिड सी केम, नो सुनर डिड सी केम, तो नो सुनर डिड सी केम गलत हो गया। हमने कहा नो सुनर डिड सी कम, सही हो जाएगा, तो नो सुनर डिड सी कम। तो यहां पे डिड के बाद में क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में देगा नो सुनर डिड सी केम, तो केम हो गया गलत, जो केम वी टू है ना, जब डिड आ गया तो वी टू तो आएगा नहीं, भी बनाएगा। तो पहले जो हमने क्वेश्चन दिया है उसके आधार पर इसको करने का प्रयास करें, आपसे कभी गलती नहीं होगा, मैं वादा करता हूं, और हमेशा आप अब्बल आओगे, हमेशा अब्बल काम करोगे। तो हमने आज क्या सीखा, हार्डली स्कार्सली एंड नो सुनर, और इस पर हमने सारे क्वेश्चन दिए। अब क्वेश्चन और बनाइए, कोई भी एग्जाम क्वेश्चन ले लो और देखो ये तीन सेक्शन से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, 3 सेकंड के अंदर आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर आपने समझने का प्रयास किया है, करने का प्रयास किया है, तो आपसे कभी गलती नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बैठ के लिख लो, दोबारा देखो, तिबारा देखो, जब भी जरूरत पड़े आप देखो। अब दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली आकर भी पढ़ सकते हो। आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।